नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके पसंदीदा YouTube चैनल ज्ञानोदय अकेडमी। दोस्तों, हमने हमारे YouTube चैनल पर मनोविज्ञान की क्लासों के अंदर हमने बाल विकास यूनिट को कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हम जिस यूनिट की चर्चा करने वाले हैं वो यूनिट है अधिगम या लर्निंग। दोस्तों, इस यूनिट के अंतर्गत हम ये बात करेंगे कि अधिगम क्या होता है, अधिगम किस तरह से होता है और अधिगम की परिभाषा क्या है। देखिए, अगर आपने बीएड की है या बीएसटीसी की है तो आपने पढ़ा होगा कि अधिगम का अर्थ जो है वो है सीखना। परंतु दोस्तों, अधिगम का अर्थ जो है सीखना वो उसका एक संकुचित अर्थ है। देखिए किस प्रकार से ये जो अधिगम है, इस अधिगम का जो संकुचित अर्थ जो है, संकुचित यानी कि ये भी हम कह सकते हैं कि एक आम भाषा में या हम हमारे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अधिगम का अर्थ होता है सीखना। परंतु हमें अधिगम का संकुचित अर्थ नहीं जानना है, हमें अधिगम का व्यापक रूप जानना है कि अधिगम का व्यापक रूप क्या होता है। देखिए, अधिगम का जो अर्थ है मनोविज्ञान की भाषा में वो क्या है, व्यवहार में परिवर्तन। क्या है? व्यवहार में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। देखिए, व्यवहार में परिवर्तन का अर्थ क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है वो अभ्यास और इसके साथ प्रशिक्षण अभ्यास प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा, देखिए इन तीन शब्दों को हमें याद रखना है। फर्स्ट है अभ्यास, दूसरा है प्रशिक्षण और तीसरा है अनुभव। देखिए, अभ्यास प्रशिक्षण अनुभव के द्वारा व्यक्ति अगर अपने व्यवहार में कोई भी परिवर्तन लाता है तो वह क्या है कहलाता है? अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अब बात आती है यहाँ व्यवहार की। देखिए मित्रों, यहाँ पे बात आती है व्यवहार की। तो व्यवहार, हमने जब मनोविज्ञान का सामान्य परिचय जब हमने पढ़ा था उसके अंदर, मनोविज्ञान के अंदर जो सबसे पहला जो विज्ञान आया था वो आया था आत्मा का विज्ञान। उसके बाद मन और मस्तिष्क का विज्ञान आया था, फिर चेतना का विज्ञान आया था और फिर अंत में जो विज्ञान आया था वो था व्यवहार का विज्ञान। और व्यवहार का विज्ञान जो है तब से लेकर आज वर्तमान तक हमारे मनोविज्ञान में व्यवहार का विज्ञान ही चलता आ रहा है और हम व्यवहार के विज्ञान को ही अपनाते हैं। अर्थात हम मनोविज्ञान में एक व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो अपने व्यवहार में किस प्रकार से आगे बढ़ता है, उसका सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है, उसका मानसिक विकास किस प्रकार से होता है। अनेकों ऐसे विकास हैं जिन विकास के बारे में या उसके व्यवहार के बारे में हम मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। देखिए, व्यवहार का विज्ञान लेकर कौन आया था? जिसका नाम था वॉटसन। व्यवहार का विज्ञान लेकर आने वाला व्यक्ति था वॉटसन। परंतु इससे पहले, बात है 1990 की, 1990 में एक मनोविज्ञानी था जिसका नाम था विलियम मैकडूगल। और इस विलियम मैकडूगल ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। देखिए 1990 के अंदर विलियम मैकडूगल ने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी एक पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक के अंदर इसने सबसे पहले व्यवहार के विज्ञान का विवरण दिया था या व्यवहार को समझाने की बात कही थी, या सबसे पहले जो व्यवहार शब्द लेकर आने वाला व्यक्ति कौन था? विलियम मैकडूगल था, हम ये भी कह सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यवहार का विज्ञान कौन लेकर आया था, तो व्यवहार का विज्ञान लेके आए थे विलियम वॉटसन।
परंतु 1990 में आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में सबसे पहले जिस व्यक्ति ने व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था वो व्यक्ति था विलियम मैकडुगल। अब विलियम मैकडुगल ने किस प्रकार से अब हम बात करें अधिगम की, तो देखिए इस तरफ है व्यवहार, ये है व्यवहार। अब व्यवहार में किस तरह का परिवर्तन आए, स्थायी परिवर्तन आए। क्या परिवर्तन आए? स्थायी परिवर्तन आए। क्या है? स्थायी परिवर्तन। और ये स्थायी परिवर्तन किस वजह से आता है, तो वो है अभ्यास। एक होता है इसमें प्रशिक्षण और एक होता है अनुभव। इन तीन चीजों से अगर आपके व्यवहार में कोई भी स्थायी परिवर्तन, देखिए बात यहां पे ये हो रही है स्थायी परिवर्तन की बात आ रही है। अगर परिवर्तन कौन सा है अस्थायी है तो वो अधिगम नहीं कहलाएगा। अगर परिवर्तन कैसा है, स्थायी परिवर्तन है। देखिए अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज का अभ्यास करता है, मान लीजिए आप मनोविज्ञान के सिलेबस को बार बार पढ़ते जा रहे हो और जब आप इस सिलेबस का अभ्यास करेंगे बार बार, तो क्या होगी वो चीज आपके व्यवहार में क्या हो जाएगी, स्थायी हो जाएगी या परमानेंट। आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया होगा सभी ने, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं हनुमान चालीसा। और आज बहुत से कम लोग होंगे जो हनुमान चालीसा किनको याद नहीं होगी। क्यों याद है वो? याद होने का कारण क्या है? क्योंकि हम उसका बचपन से क्या करते आ रहे हैं, अभ्यास करते आ रहे हैं। और अभ्यास से वो चीज क्या कि हमारे व्यवहार में शामिल। अगर आपको एक चौपाई अगर हनुमान चालीसा की आपके सामने बोली जाए तो दूसरी चौपाई ऑटोमेटिक आपको याद आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि वो चीज आपके व्यवहार में क्या है, स्थायी है एकदम, इसलिए वो आपको याद रहती है। और देखिए अगर आपके व्यवहार में किसी प्रकार का स्थायी परिवर्तन आता है तो वो परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। आई बात समझ में कि अधिगम की परिभाषा क्या बनेगी? अगर एक व्यक्ति अभ्यास प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा अगर अपने व्यवहार में कोई स्थायी परिवर्तन करता है तो वो परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ठीक है, ये बात थी। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात हमें ये याद रखनी है कि ये तो बात आ गई कि स्थायी परिवर्तन की। अब बात करते हैं कुछ ऐसे परिवर्तन भी हैं जिनकी वजह से हमारे व्यवहार में क्या अस्थायी परिवर्तन भी आते हैं। मान लीजिए मैं नाम लूं परिपक्वता का, मैं लूं मादक पदार्थ का सेवन, मैं यहां कहूं इसके साथ साथ कोई बीमारी, मैं नाम लू थकान, ये कुछ शब्द हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। अब अगर मैं कहूं किसी व्यक्ति के परिपक्वता के कारण एक व्यक्ति में अगर कोई परिवर्तन आता है तो वो परिवर्तन क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा नहीं कहलाएगा। देखिए एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, ये इसकी हाइट अभी क्या है 5 फुट या इसको मान लो 3 फुट का है। ये थोड़ी उम्र जैसी बड़ी तो इसकी हाइट बढ़कर क्या हो जाती है, 5 फुट हो जाती है। तो ये क्या है, ये किस वजह से हुआ? ये हुआ परिपक्वता की वजह से। किस वजह से हुआ? परिपक्वता की वजह से। और परिपक्वता की वजह से अगर कोई आपके शरीर में परिवर्तन आता है तो वो परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम नहीं कहलाता है। क्योंकि ये परिवर्तन क्या है, आपका स्थायी परिवर्तन नहीं होता है। हाइट कभी बढ़ेगी, हाइट और बढ़ती जाएगी, ठीक है, क्योंकि निरंतर आपके शरीर में वृद्धि होती रहती है। अब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है मादक पदार्थ का सेवन करता है, एक व्यक्ति ने शराब का सेवन किया, तो शराब के सेवन से क्या आएगा, उसके व्यवहार में क्या आएगा, एक बार के लिए परिवर्तन आएगा। मान लो नशे में है, नशे में है तो उसके व्यवहार में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही वो नशा उतरता है तो उसका वो जो चिड़चिड़ापन है वो भी दूर हो जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बीमारी है या कोई थकान है, अगर आपको कोई बीमारी है तो बीमारी की वजह से भी क्या आपके अंदर कोई प्रकार के परिवर्तन आपके शरीर में आपके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलेगा। किसी व्यक्ति को बीमारी है तो वो भी उस व्यक्ति से अगर आप बात करोगे कुछ देर तक तो उसमें चिड़चिड़ापन आ जाएगा। अगर आप काम कर रहे हो, काम करते करते आप थक जाते हो तो थकने के बाद भी आपके व्यवहार में क्या आएगा, परिवर्तन आ जाएगा। तो वो जो परिवर्तन है वो परिवर्तन क्या कहलाता है, स्थायी परिवर्तन नहीं कहलाता, वो अस्थायी परिवर्तन। जैसे ही आपकी बीमारी दूर होगी आपका व्यवहार वैसा का पहले जैसा ही हो जाएगा, आपकी थकान दूर होगी आपका व्यवहार भी क्या हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। इसलिए ये इन चीजों से आया परिवर्तन क्या है, अधिगम नहीं कहलाता।
अधिगम केवल इन यही कहलाता है कि अगर अभ्यास प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा अगर आपके व्यवहार में कोई स्थायी परिवर्तन आता है तो वो अधिगम कहलाता है। आई बात समझ में? तो ये अधिगम है। अब मान लीजिए हम अधिगम के एक उदाहरण की बात करें। एक बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा क्या है, इस बच्चे को बचपन से ही क्या खिलाया गया, क्रिकेट। क्या कहलाया गया? क्रिकेट कहलाया गया। अब इसे क्रिकेट के लिए कहां भेज दिया गया? क्लब भेज दिया गया। अब इस ये क्लब के अंदर क्या कर रहा है? प्रशिक्षण ले रहा है। किसका? क्रिकेट का। और प्रशिक्षण लेने के बाद में ये व्यक्ति एक दिन इंटरनेशनल खिलाड़ी बन जाता है, विराट कोहली की तरह। क्या बन जाता है? इंटरनेशनल खिलाड़ी। अब ये क्रिकेट जो है वो उसके व्यवहार में क्या हो गया? स्थायी रूप से परिवर्तन उसके व्यवहार में आ गया। यानी स्थाई क्रिकेट ने क्या ले ली? उसके व्यवहार में एक स्थाई जगह प्राप्त कर ली, तो वो अधिगम है उसका। ठीक है, अगर ये यहाँ क्रिकेट खेलता जरूर परंतु ये कुछ नहीं बन पाता, उसका फायदा नहीं उठा पाता, तो वो अधिगम नहीं कहलाता। ठीक है, आई बात समझ में यहां तक? अब हम बात करते हैं अधिगम की परिभाषाओं को। अब हम बात करते हैं अधिगम की कुछ परिभाषाएं। अधिगम की परिभाषा देखिए, सबसे पहले हम जिस व्यक्ति की बात करेंगे वो व्यक्ति है करो एंड करो। करो एंड करो, सबसे पहले हम बात करेंगे करो एंड करो की। देखिए, करो एंड करो ने अपनी परिभाषा में क्या कहा कि आदतों, आदत अभिवृद्धि और ज्ञान का अर्जन करना। इसकी परिभाषा क्या है? आदत अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। देखिए, यहां अभिवृत्ति है ना कि अभिवृद्धि है। क्या है? यहां अभिवृत्ति है। अभिवृत्ति का अर्थ मैंने आपको पहले बताया होगा कहीं तो। देखिए, आप जब कुछ लोग जानते भी होंगे कि वृद्धि, देखिए दो शब्द आते हैं, एक शब्द आता है वृद्धि और एक शब्द आता है वृद्धि। मनोविज्ञान में वृद्धि को क्या कहा जाता है? अभिवृद्धि कहा जाता है। और वृद्धि को क्या कहा जाता है मनोविज्ञान में? अभिवृद्धि। पर अभिवृद्धि क्या है? वृद्धि क्या होती है? बढ़ना। अगर आपकी ग्रोथ को हम क्या कहते हैं? बढ़ना या वृद्धि कहते हैं। अभिवृद्धि क्या होती है? आपका नजरिया क्या होगा? आपका नजरिया, आप किस चीज के बारे में क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, किस नजर से हम उस चीज को देख रहे हैं, वो नजरिया क्या कहलाता है? आपका अभिवृद्धि। मान लीजिए कोई अपनी नजरिए में अगर कोई परिवर्तन लाता है तो वो परिवर्तन भी क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। ठीक है, जो ये करो एंड करो की पहली परिभाषा थी। अब बात करेंगे हम गिलफोर्ड की परिभाषा। देखिए, गिलफोर्ड ने अपनी परिभाषा के दौरान क्या कहा कि व्यवहार के कारण, क्या कहा? व्यवहार के कारण, व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। देखिए, यहां एक व्यक्ति है, यहां एक ये व्यक्ति है। अब ये व्यक्ति जो है, एक सामने एक व्यक्ति और है। अब ये जो व्यक्ति है वो इस व्यक्ति से मिला। ये व्यक्ति क्या है? इसके साथ में क्या करता है? कोई व्यवहार करता है या बात करता है काफी देर तक। इसकी किसी भी बात का फर्क अगर इसके अंदर आता है या इसकी बात इस व्यक्ति को बहुत कुछ अच्छी लगी तो इसने अगर इसकी बात को अपने व्यवहार में शामिल कर लिया स्थायी रूप से तो वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ठीक है, तो ये व्यवहार की वजह से आया स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ये किसकी परिभाषा है? गिलफोर्ड की परिभाषा। देखिए, साथ साथ हमें याद भी करना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे विलियम वुडवर्थ की। विलियम वुडवर्थ की दो परिभाषाएं हैं,
पहली क्या है, अधिगम विकास की प्रक्रिया है, क्या है अधिगम विकास की प्रक्रिया, अधिगम विकास की क्या है प्रक्रिया है। और दूसरी जो परिभाषा है नवीन ज्ञान है, नवीन प्रतिक्रियाओं का वो अर्जन करना, दूसरी नवीन ज्ञान व नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं। का अर्जन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है, क्या कहलाता है अधिगम कहलाता है। देखिए इसकी दो परिभाषाएं हैं, एक परिभाषा है अधिगम विकास की क्या है, एक प्रक्रिया है, ठीक है, कि अधिगम से व्यक्ति क्या करता है अपना विकास करता है, जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होगा अधिगम में परिपक्वता उसके आती रहेगी, कोई नया ज्ञान प्राप्त किया, कोई नई प्रतिक्रिया प्राप्त की, तो वो भी क्या कहलाती है अधिगम कहलाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बीएफ स्किनर की, इसके बाद करेंगे बीएफ स्किनर की। देखिए बीएफ स्किनर ने अपनी परिभाषा में क्या कहा कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया, अधिगम जो है व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। आप व्यवहार में निरंतर परिवर्तन व्यक्ति के अंदर होता रहता है, और ये उत्तरोत्तर का अर्थ क्या होता है श्रृंखला वाइज एक के बाद एक, ठीक है। इस प्रकार से अगर कोई आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन क्या कहलाएगा अधिगम कहलाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे आइजेंक की, आइजेंक ने अपनी परिभाषा में क्या कहा कि अधिगम नवीन स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया है, अधिगम स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत, अधिगम स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया है, सीखने की क्या है प्रक्रिया है, ठीक है। तो अधिगम क्या है स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की क्या है प्रक्रिया है, ठीक है। ये क्या है आइजेंक की परिभाषा है। उसके बाद हम बात करेंगे आगे गेट्स की परिभाषा। देखिए गेट्स ने अपने शब्दों में क्या कहा अधिगम के लिए कि प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन, क्या कहा, देखिए हमने शुरू में बात की थी कि प्रशिक्षण और अनुभव के कारण आया स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है अधिगम कहलाता है, क्या कहलाता है स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है, ठीक है। ये कुछ एक परिभाषाएं थी अधिगम को लेकर, ठीक है। पहली परिभाषा हमें याद करनी है करो एंड करो की, करो एंड करो में अपने शब्दों में क्या कहा कि आदत अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन क्या कहलाता है अधिगम कहलाता है। किसकी परिभाषा है करो एंड करोगी, प्रश्न किस तरह से आएगा ये परिभाषा दे दी जाएगी आपको कि आदत अभिवृद्धि और ज्ञान का अर्जन अधिगम कहलाता है, ये कथन किसका है या ये परिभाषा किसकी है, तो किसकी परिभाषा है करो एंड करोगी। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन ये कथन किसका है, तो किसका है ये गिलफोर्ड का कथन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए अधिगम विकास की प्रक्रिया है ये कथन किसका है, तो विलियम वुडवर्थ का। अगर आपसे पूछ लिया जाए नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन क्या कहलाता है अधिगम कहलाता है, और ये कथन किसका है विलियम वुडवर्थ का। उसके बाद अगर आपसे बात की जाए कि अधिगम में व्यवहार में आया उत्तरोत्तर अनुकूलन की, अधिगम जो है व्यवहार में उत्तरोत्तर क्या है अनुकूलन की प्रक्रिया है, और ये कथन किस व्यक्ति ने दिया किस मनोविज्ञानी ने दिया, तो वो बीएफ स्किनर का, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आइजेंक की, तो आइजेंक ने क्या कहा कि अधिगम स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की क्या है एक प्रक्रिया है, गेट्स प्रशिक्षण और अनुभव के कारण आया स्थायी परिवर्तन। एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि परिवर्तन कैसा भी हो परंतु वो होना चाहिए स्थायी,
अगर परिवर्तन स्थायी है तो अधिगम कहलाएगा, परंतु नहीं कहलाएगा, अथवा वो अधिगम नहीं कहलाता। अगर परिवर्तन आपका स्थायी नहीं है तो अधिगम नहीं कहलाएगा, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, ये परिभाषा की। उसके बाद हम बात करेंगे आगे अधिगम के प्रकार। अब हम बात करेंगे अधिगम के पक्ष। क्या करेंगे? बात करेंगे अधिगम के पक्ष। देखिए दो तरह की बातें आती है, पहली अधिगम के पक्ष और दूसरी तरफ बात करेंगे अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार, इनको हम साथ साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे अधिगम के पक्ष की। देखिए अधिगम के तीन पक्ष आते हैं। अधिगम के क्या आते हैं? तीन पक्ष आते हैं। पहला जो पक्ष है इसका वह संज्ञानात्मक पक्ष है, ठीक है। दूसरा जो पक्ष है इसका वो है क्रिया अधिगम पक्ष, और तीसरा जो होता है वो है भावात्मक पक्ष। ये तीन क्या है? पक्ष है। और अब अगर हम बात करें प्रकारों की, तो प्रकारों में पहला गामक प्रकार होता है इसका, गामक अधिगम क्रिया, गामक अधिगम, ठीक है। दूसरा जो होता है इसके अंदर वो होता है प्रतिबोधनात्मक अधिगम, प्रतिबोधनात्मक अधिगम। और तीसरा जो हम बात करेंगे वो है संकल्पनात्मक अधिगम। देखिए अब इनमें क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे संज्ञानात्मक पक्ष की। पक्षों को हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि अधिगम के जो पक्ष हैं वो कौन कौन से हैं। संज्ञानात्मक पक्ष है, क्रिया अधिगम पक्ष है और भावात्मक पक्ष है। संज्ञानात्मक पक्ष के अंदर क्या होता है कि अगर व्यक्ति, इसमें क्या है, सवाल एक दे रखा है संज्ञान, और संज्ञान क्या होता है? ज्ञान का सर्वोच्च बिंदु, ज्ञान का सर्वोच्च बिंदु क्या कहलाता है? संज्ञान कहलाता है। अगर व्यक्ति कोई भी ज्ञान कुछ भी सीखता है और अपने ज्ञान के आधार पर सीखता है, अपने ज्ञान के आधार पर अगर कोई चीज सीखता है तो वो कौन सा पक्ष कहलाता है? अधिगम का संज्ञानात्मक पक्ष कहलाता है। अब बात करते हैं क्रिया अधिगम पक्ष की। क्रिया के अंदर ऐसी चीज, ऐसा कुछ सीखना जो क्रिया पर आधारित हो, जैसे कि तैरना, साइकिल चलाना, ठीक है, जिसमें शारीरिक क्रियाएं शामिल हो और फिर आप कोई चीज सीख रहे हो, तो वो क्रिया कौन सा पक्ष कहलाता है? अधिगम का क्रिया अधिगम पक्ष कहलाता है। क्रियाओं के आधार पर अगर कुछ भी सीखा जाता है तो वो क्रिया अधिगम पक्ष कहलाता है। बाकी बात भावात्मक पक्ष की। भावात्मक पक्ष में क्या होता है कि भावात्मक पक्ष में कोई व्यक्ति जो है वो अपने शब्दों, संकेतों प्रतीकों के आधार पर सीखता है तो क्या कहलाता है? भावात्मक पक्ष कहलाता है। देखिए जैसे कि हम क्या सीखते हैं, हमें सिखाया जाता है यातायात के संकेतों के बारे में। मान लीजिए आप रोड पर चल रहे हैं तो रोड पे चलते चलते अचानक से कोई रेड लाइट दिखती है तो आप वहां रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको क्या है, आपके भाव है या आपको संकेतों का ज्ञान है, ठीक है, आपको एक सिग्नल दिया गया और सिग्नल को आपने पहचान लिया कि रेड लाइट पे हमें रुकना है। जैसे ही ग्रीन लाइट ऑन होती है आप चल पड़ते हो वहां से। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको संकेतों का ज्ञान है।
आपको संकेत जो है वो आपके व्यवहार में क्या है परमानेंट शामिल है। आप समझते हो उन चीजों की। एक छोटे से बच्चे को अगर ये कहा जाए कि आपको रेड लाइट पे रुकना है तो वो कहेगा मुझे क्यों रुकना है यहाँ, क्योंकि उसे उस चीज का ज्ञान नहीं है। आपको उस चीज का आप ज्ञान हो चुका है, आपको अधिगम हो चुका है, आपके व्यवहार में वो चीज शामिल हो चुकी है, ठीक है। इसलिए अधिगम के तीन पक्ष होते हैं। संज्ञानात्मक पक्ष में ज्ञान का सर्वोच्च बिंदु संज्ञान कहलाता है, और ज्ञान के आधार पर अगर हम कुछ सीखते हैं, मस्तिष्क की क्रियाओं के आधार पर हम कुछ सीखते हैं तो संज्ञानात्मक पक्ष कहलाता है। क्रिया अधिगम, शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से अगर कोई चीज सीखी जाती है तो वो क्रिया अधिगम पक्ष कहलाता है। भावात्मक पक्ष वह पक्ष या वह अधिगम जो आपके शब्दों संकेतों और प्रतीकों के आधार पर हो वह भावात्मक पक्ष कहलाता है। अब बात करते हैं गामक अधिगम की। देखिए अब अधिगम के प्रकार की बात करें हम तो देखिए सबसे पहला प्रकार है गामक अधिगम। गामक अधिगम में गामक का अर्थ क्या होता है, जैसे हमने बाल विकास के अंदर पढ़ा था, हमने बाल विकास के अंदर हमने एक शब्द पढ़ा था गामक। गामक का अर्थ जो शारीरिक क्रिया से था, शारीरिक क्रिया के माध्यम से कोई भी क्रिया होती है, कोई भी अधिगम होता है तो वो क्या कहलाता है। जिस प्रकार से देखिए क्रिया अधिगम में क्या था, शारीरिक क्रिया थी, और शारीरिक क्रिया के आधार पर अगर हम कुछ सीखते हैं तो वो गामक अधिगम कहलाता है। और बच्चा जो है देखिए गामक अधिगम बच्चा कब करता है, बचपन में करता है। बचपन में बच्चे को अगर आप कोई भी चीज दोगे हाथ में तो उसे हैंड टू हैंड मुंह में लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। बच्चा क्या है, अनुकरण के द्वारा सीखता है, अनुकरण। आप बच्चे के सामने झाड़ू निकाल रहे हो तो बच्चा भी क्या करेगा, झाड़ू निकालने लग जाएगा। बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है। और गामक अधिगम कब होता है, शेषो अवस्था के अंदर होता है। कब होता है, शेषो अवस्था के अंदर होता है बच्चों। शेषो अवस्था में गामक अधिगम बच्चा अत्यंत मात्रा में करता है। क्यों करता है, क्योंकि बच्चे पर गामक अधिगम गामक क्रियाओं का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। बाल विकास में जब हमने शेषो अवस्था पढ़ी थी तो शेषो अवस्था में हमने गामक को पढ़ा था। गामक का मतलब क्या था कि शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रिया क्या कहलाती है, गामक क्रिया कहलाती है, ठीक है। तो जब बच्चा जो है वो शरीर के द्वारा कोई क्रिया करके कुछ सीखता है तो वो गामक अधिगम कहलाता है। गामक अधिगम में बच्चा क्या, अनुकरण के द्वारा नकल करके सीखता है। और गामक अधिगम जो होता है वो शेष अवस्था में अत्यंत मात्रा में होता है। अब बात करें प्रतिबोधनात्मक अधिगम की। प्रतिबोध, सबसे पहले हम इस शब्द को लेते हैं प्रतिबोध। प्रतिबोध का अर्थ होता है संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट। क्या होता है, संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट, क्या कहते हैं हम इसे, कॉन्सेप्ट कहते हैं। और कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मस्तिष्क में बनने वाला बिंब, मस्तिष्क में बनने वाला बिंब क्या कहलाता है, संप्रत्यय। बिंब का अर्थ क्या हो सकता है, छाया भी हो सकता है, या हम इसे ये भी कह सकते हैं फोटो या इमेज, ठीक है। तो अगर आपके मस्तिष्क में किसी भी चीज को नाम लेते ही, अगर आपके मस्तिष्क में उसका कोई चित्र बनता है तो वो चित्र क्या कहलाता है, संप्रत्यय कहलाता है। यानी कि आपको उस चीज का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अगर इस माध्यम से अगर कोई चीज सीखी जाती है तो वो चीज क्या कहलाती है, प्रतिबोधनात्मक अधिगम कहलाता है। और बच्चा जो सर्वाधिक प्रतिबोधनात्मक अधिगम जो करता है वो बाल्यावस्था के दौरान करता है। कब करता है, बाल्यावस्था के दौरान करता है। देखिए शेष अवस्था में क्या था, सिर्फ गामक क्रियाओं का प्रभाव था, परंतु जब से ही बाल्यावस्था में बच्चा पहुंचता है तो बच्चे का मस्तिष्क क्या हो जाता है, परिपक्वता की ओर बढ़ने लग जाता है। बच्चे का मस्तिष्क क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। कितना परिपक्व हो जाता है, करीबन 90% तक, ठीक है। तो 90% तक जब परिपक्वता आ जाती है उसके मस्तिष्क में तो बच्चा क्या है, सोचने और समझने चिंतन करने लगता है। और चिंतन करने लगता है तो यानी उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चालू हो जाएंगे उसके माइंड में। तो इस वजह से जो प्रतिबोधनात्मक अधिगम जो होता है वो बाल्यावस्था में सर्वाधिक किया जाता है। अब बात आती है संकल्पनात्मक अधिगम। संकल्पना, कल्पना करना, ठीक है, कल्पना के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना। यानी कि आप अधिगम के अंदर जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम एक मनोवैज्ञानिक आए थे, अधिगम में एक संप्रदाय आया था जिसका नाम था गेस्टाल्टवाद। क्या संप्रदाय था, गेस्टाल्टवादी संप्रदाय। अब ये गेस्टाल्टवादी थे ना जो ये संज्ञान को अधिगम का आधार केंद्र मानते थे। क्या, संज्ञान को आधार केंद्र मानते थे। ये कहते थे कि कल्पना और सूझ के माध्यम से, कल्पना और सूझ के माध्यम से व्यक्ति क्या है, अधिगम प्राप्त करता है। देखिए दो संप्रदाय आए थे मनोविज्ञान अधिगम के अंदर, मनोविज्ञान में दो संप्रदाय हुए थे जिनमें एक संप्रदाय था व्यवहारवादी संप्रदाय और एक था गेस्टाल्टवादी जो संज्ञान को सर्वोच्च बिंदु मानते थे।
और व्यवहारवादी थे, वो व्यक्ति की क्रियाओं और उसके व्यवहार को महत्वपूर्ण मानते थे, ठीक है, क्रिया को महत्वपूर्ण मानते थे। और ये संज्ञानवादी क्या कहते थे, या गेस्टाल्टवादी ये क्या कहते थे कि व्यक्ति में अचानक से सूझ उत्पन्न होती है और व्यक्ति जो है वो सूझ के माध्यम से चीजें सीख जाता है, ठीक है, सही था संकल्पनात्मक अधिगम। देखिए जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है तो ख्यालों की दुनिया में रहता है, कौन सी दुनिया में रहता है, ख्यालों की दुनिया में रहता है, सपनों की दुनिया में रहता है, ठीक है। और सपनों की दुनिया में अगर कोई व्यक्ति रहेगा तो उस व्यक्ति के मन में अनेकों प्रकार के विचार आएंगे और वो विचार क्या है उसके माइंड में अनेकों प्रकार के सूझ उत्पन्न करेंगे कि अब मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। तो ये जो अनेकों प्रकार के विचार हैं वो विचार क्या कहलाते हैं, सूझ कहलाती है। और सूझ क्या कब उत्पन्न होती है, किशोरावस्था में होती है, यानी संकल्पनात्मक अधिगम कब उत्पन्न होता है, किशोरावस्था में होता है। याद रखना तीनों चीज। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गामक अधिगम कौन सी अवस्था में होता है सर्वाधिक, तो शेष अवस्था में होता है। प्रतिबोधनात्मक अधिगम कौन सी अवस्था में होता है सर्वाधिक, तो बाल्य अवस्था में होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए संकल्पनात्मक अधिगम कब होता है, तो वो किशोरावस्था के अंदर होता है, ठीक है। ये थे अधिगम के पक्ष और अधिगम के प्रकार। अब हम बात करेंगे अधिगम की विशेषताओं के बारे में। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब हम बात करते हैं अधिगम की विशेषताएं। सबसे पहले जो अधिगम की विशेषता है वो क्या है, अधिगम क्या है, एक क्रिया है। अधिगम क्या है, एक क्रिया है। अधिगम एक क्रिया है, यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा की गई क्रिया है अधिगम कहलाती है, ठीक है। व्यक्ति कोई क्रिया करेगा और उस क्रिया के माध्यम से व्यक्ति के अंदर क्या आएगा, स्थायी परिवर्तन आता है। अधिगम क्या है, सार्वभौमिक है। अधिगम क्या है, सार्वभौमिक है। ठीक है, ये अधिगम होता है। अधिगम क्या है, सार्वभौमिक है। अधिगम सदैव उद्देश्य पूर्ण होता है। अधिगम सदैव उद्देश्य पूर्ण होता है। बिना उद्देश्य के कभी भी आप किसी भी चीज को नहीं सीखते। आज आप ये क्लास देख रहे हैं तो भी एक उद्देश्य की वजह से देख रहे हैं। आप खाना खाओगे तो वो भी एक उद्देश्य की वजह से, खाते भूख लगेगी तो ही खाओगे, ठीक है। आप आज रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट में आपको लगना है, आपको नौकरी चाहिए, इसलिए आप तैयारी कर रहे हैं। अगर वो उद्देश्य पूरा हो जाता है तो आप तैयारी नहीं करेंगे। आप कोई भी नौकरी लग जाएंगे उसके बाद आप तैयारी करना छोड़ दोगे। आपका कोई उद्देश्य होगा तो ही आप वो कार्य करोगे, बिना उद्देश्य के कोई भी कारण नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अधिगम जो है जन्म मृत्यु तक चलता है। अधिगम जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, यानी कि जन्म से लेकर और मृत्यु तक हम लगातार हम कुछ ना कुछ सीखते चले जाते हैं और उस सीखने से हमारे व्यवहार में क्या आता रहता है, परिवर्तन आता रहता है। अधिगम एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। अधिगम एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। अधिगम क्रियात्मक प्रक्रिया है। देखिए क्रियात्मक का अर्थ होता है कि हम अगर हमें अधिगम प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास में भी हमें क्रिया चाहिए, हमें प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, हमें अनुभव प्राप्त करना पड़ेगा और तब जाके हमें क्या होगा, अधिगम प्राप्त होगा। तो अधिगम क्या है, क्रियात्मक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, सकारात्मक व नकारात्मक दोनों होता है। अधिगम क्या है,
सकारात्मक भी होता है, वह नकारात्मक भी होता है। किस तरह से देखिए, एक ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति रह रहा है एक अच्छी सोसाइटी में, और ये व्यक्ति जो है वो रह रहा है एक ऐसी सोसाइटी में जहां नशाखोरी सबसे ज्यादा, चोरी चकारी होती रहती है। ये व्यक्ति क्या सीखेगा? अच्छा व्यवहार सीखेगा, और अच्छे व्यवहार का ही इसमें क्या आएगा, स्थायी परिवर्तन आएगा। ठीक है, अच्छी बातों पे अच्छी बातें सीखकर उनमें क्या अपना वैसा अपना व्यवहार भी क्या कर लेगा, वैसा ही स्थायी व्यवहार कर लेगा। और ये व्यक्ति क्या करेगा, वैसा ही स्थायी व्यवहार कर लेगा जिस माहौल में वो रह रहा है। तो उस वजह से क्या आएगा कि ये अधिगम क्या है यहाँ, इसके लिए तो क्या हो गया, अधिगम सकारात्मक हो गया, पॉजिटिव हो गया, और इसके लिए अधिगम क्या हो गया, नकारात्मक हो गया या नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये अधिगम, इसलिए हम कहते हैं कि अधिगम जो होता है वो सकारात्मक भी होता है, और अधिगम क्या होता है नकारात्मक भी होता है, और अधिगम सकारात्मक भी होता है। ठीक है, ये बात यहाँ क्लियर होती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि अधिगम क्या एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, अधिगम क्या है, एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। ठीक है, अनकंडीशनल प्रक्रिया है, अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कि हर व्यक्ति क्या है अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखता है, और उस कुछ ना कुछ सीखने से व्यक्ति अगर 5 मिनट किसी व्यक्ति से अगर बात भी करता है तो उसकी कुछ ना कुछ व्यवहार उसका उसमें शामिल होता है, और इसलिए अधिगम को हम स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हैं। अधिगम में कई प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित हो सकती है, अधिगम में क्या होती है, कई प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित होती है, क्या होती है, कई प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित होती है, कई प्रकार की क्रियाएं, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि गामक क्रिया होती है, शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, मानसिक क्रिया के माध्यम से हम सीखते हैं, तो इस प्रकार की कई क्रियाएं अधिगम में शामिल होती है। अधिगम क्या है, अचानक अधिगम क्या है, अध्यापक मित्र मंडली और परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अधिगम के अंदर क्या होता है, मित्र मंडली, अध्यापक और परिवार की अहम भूमिका होती है। कि देखिए, परिवार में रहेगा तो कुछ ना कुछ सीखेगा, मित्रों के साथ में रहेगा तो कुछ ना कुछ सीखेगा, और अध्यापक के स्कूल विद्यालय में जाएगा तो भी वो कुछ ना कुछ सीखेगा, तो इसलिए इन तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका एक बच्चे के लिए कहती है। अधिगम सदैव क्या होता है, नवीन होता है, अधिगम क्या होता है, सदैव नवीन होता है। देखिए कैसे, आज आपने ये क्लास देखी, आपने कुछ ना कुछ सीखोगे इस क्लास से, 100 नहीं तो कम से कम 60% चीजें आपको याद रहेगी। सेकेंड बार फिर से यही क्लास देखी तो फिर कुछ ना कुछ 60 नहीं तो यहां आप 100 में से 30% सीखोगे, दूसरी बार देखोगे तो 30% सीखोगे। परंतु ये इससे क्या होगा, नया होगा, ये जो होगा वो इससे क्या होगा, नया होगा। तो इसलिए अधिगम हमेशा क्या होता है, नवीन होता है। ठीक है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। क्या क्या चीज है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में क्या है, परिवर्तन की क्या है, प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से अधिगम की कुछ विशेषताएं थी। देखिए, अधिगम एक क्रिया है, अधिगम क्या है, सार्वभौमिक होता है, सार्वभौमिक अर्थ ये पशु भी करते हैं और मानव भी करते हैं। आगे चलकर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा, परंतु अभी हमें ये याद रखना है कि अधिगम जो है वो मानव भी करते हैं और पशु भी करते हैं, इसलिए इसको सार्वभौमिक कहा जाता है। अधिगम सदैव उद्देश्य पूर्ण होता है, बिना उद्देश्य के आप कोई काम नहीं करते। अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। अधिगम क्रियात्मक प्रक्रिया है, यानी कि अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा आप अधिगम प्राप्त करते हैं। अधिगम सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है। अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और ये कई प्रकार की क्रियाएं इसमें सम्मिलित होती है। मित्र मंडली, अध्यापक और परिवार का इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। अधिगम हमेशा नवीन होता है और व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अधिगम कहलाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने पढ़ा अधिगम की विशेषता, अधिगम के अर्थ, अधिगम की परिभाषाएं और अधिगम के पक्ष और प्रकारों को। तो अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे आगे अधिगम के पठार, आगे अनेक जो टॉपिक आते हैं अधिगम के अंदर, उन टॉपिक्स पर बात चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी हो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हमें आगामी हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से प्राप्त हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।